कोरोना वायरस का कहर धीरे धीरे फिर से बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां न्यूजीलैंड ने भारत की एंट्री पर बैन लगा दिया हो तो अन्य देश भी सतर्कता बरत रहे हैं। आलम यह है कि दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस का आंकड़ा 13,37,96,725 तक पहुंच गया, वहीं 2,90,922 लोगों की जान जा चुकी है। फिर अमेरिका में टेक्सास के ब्रायन में गोलीबारी की घटना सामने आई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हैं। ये घटना एक इंडस्ट्रियल पार्क में हुई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपने देश में दुष्कर्म के बढ़ते मामले पर बयान देकर घिर गए। उन्हें न सिर्फ अपने मुल्क बल्कि विदेश में भी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व पत्नी जेमी गोल्डस्मिथ ने भी उनको चमकर फटकार लगाई है। चीन ने कहा है कि कोविड वैक्सीन मामले में ताइवान पराग्वे को लेकर बेवजह विवाद खड़ा कर रहा है। ताइवान ने दक्षिण अमेरिकी देश की वैक्सीन दिलाने के लिए न केवल भारत से वार्ता की बल्कि उसे तत्काल 1,00,000 खुराक भी दिलवा दी है। ब्रिटेन में हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता नाथन ला को राजनीतिक सजा दे दी है। वह गत वर्ष जुलाई से ब्रिटेन में रह रहे हैं। चीन की ओर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून थोपे जाने के बाद नाथन ने हांगकांग को छोड़ दिया था। एक बलोच अलगाववादी समूह ने चीन और ईरान के बीच हुए 25 साल के बड़े समझौते पर भारत को आगाह किया है। कहा है कि चीन और ईरान के इस समझौते से चाबहार बंदरगाह को लेकर भारत ईरान का समझौता खतरे में पड़ सकता है। चीन के सिंजियांग क्षेत्र में अत्याचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक नया मामला सामने आया। उइगर मुस्लिम बहुज स्थित के 2 पूर्व अधिकारियों को आतंकवाद और अलगाववाद के आरोप में दोषी ठहरा मौत की सजा सुनाई गई। पाकिस्तान पे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा। कभी इर्स निंदा के नाम पर उनकी हत्या कर दी जाती है तो कभी बहु बेटियों को अपहरण कर लिया जाता है। गत शनिवार को एक 22 वर्षीय हिंदू लड़की आरती बाइक को लड़काना अली गोहर इलाके से अगवा कर लिया गया। चीन के सिंजियांग क्षेत्र में अत्याचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक नया मामला सामने आया है। उइगर मुस्लिम बहुल इस क्षेत्र के 2 पूर्व अधिकारियों को आतंकवाद और अलगाववाद के आरोप में दोषी ठहरा मौत की सजा सुनाई गई। चीन ने दिया था भरोसा लेकिन नहीं दी वैक्सीन। धोखा खाए पराग्वे को भारत ने की मदद, भेजी 1,00,000 खुराक। दो महीने बाद चीन में घरेलू संक्रमण के सबसे ज्यादा केस। ब्रिटेन में लक्षण रहित कोरोना संक्रमित की पहचान के लिए मुहिम। विश्व बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मालपास ने कहा कि वैश्विक वृद्धि अधिक तेजी से होगी और इसकी अगुवाई भारत, अमेरिका और चीन करेंगे। उन्होंने कोरोना के चलते बढ़ती गैर बराबरी पर चिंता भी जताई है। चीन की गलत नीतियों से बचाव को लेकर अमेरिका में नया बाइडेन प्रशासन योजना बना रहा है। अमेरिका की कॉमर्स सेक्रेटरी गिना रेमंडो ने कहा कि बाइडेन प्रशासन अमेरिकी वर्करों व उनके बिजनेस को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। तुर्की में प्रस्तावित बैठक के दौरान अफगानिस्तान के राष्ट्रीय अशरफ गनी विदेश नुमाइंदों के सामने त्रिस्तरीय शांति प्रस्ताव रखेंगे। प्रस्ताव में तालिबान के साथ समझौते और चुनाव से पहले संघर्ष विराम की मांग शामिल है।
म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का दौर थमता नहीं दिखाई दे रहा। आंदोलनकारियों के तितर बितर करने के लिए सेना ने फायरिंग की, तो प्रदर्शन में शामिल युवाओं ने तमंचे और बमों से उन पर हमला कर दिया। सेना की कार्रवाई में 11 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। भारत में कोरोना के बढ़ते मामले ने दूसरे देशों को भी टेंशन में डाल दिया है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए न्यूजीलैंड ने भारत से आ रहे लोगों की एंट्री पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन शुक्रवार 9 अप्रैल को अपना 73वां जन्मदिन मना रही हैं। इस मौके पर बॉलीवुड के सेलिब्रिटी अपने अपने अंदाज में जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। इसी बीच उनके बेटे अभिनेता अभिषेक बच्चन ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर उन्हें बर्थडे विश किया है। देश में कोरोना मामले में हो रहे इजाफा के साथ ही टीकाकरण अभियान में भी तेजी लाई जा रही है। अब तेलंगाना में मुख्यमंत्री ने कहा कि सप्ताह के भीतर सभी फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं का टीकाकरण हो जाना चाहिए। एलडीसी यूडीसी परीक्षा कोविड-19 के बढ़ते मामले के कारण स्थगित, 11 अप्रैल को होनी थी परीक्षा। केरल के कोझिकोड में शुक्रवार को एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। दरअसल फ्लाइट के पायलट कार्गो कंपार्टमेंट में फायर अलार्म से सचेत हुए और 17 यात्रियों के साथ फ्लाइट की लैंडिंग की।